नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजेटी एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। एक अपना पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, जिसके बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी गई होगी। लेकिन अब स्थितियां वहां की बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी हैं, यानी दिन ब दिन वहां की स्थितियां बिल्कुल खराब से खराब होती चली जा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि वहां के सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जो भी कर्जा है, जो विदेशी कर्जा है, उसे हम चुकाने में अब सक्षम नहीं है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि श्रीलंका बैंक करप्ट हो चुका है, क्या दिवालिया हो चुका है, कि इस तरीके के जो भी घटनाएं हैं इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या श्रीलंका करप्ट हुआ है, यानी क्या दिवालिया हो चुका है, क्या कोई देश दिवालिया होता है, इन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं श्रीलंका क्राइसिस के बारे में। जो श्रीलंका क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, इतनी जल्दी या इस तरीके से कैसी स्थितियां आ चुकी हैं, क्यों आई हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आसान शब्दों में समझते हैं कि जो भी कोई देश होता है, अगर कोई विदेशी कर्जा लेता है, अब मान लो कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं है क्योंकि श्रीलंका के ऊपर $51 बिलियन का विदेशी कर्ज आ चुका है। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह कर्ज चुका सके, क्योंकि उसका आज के डेट में चेक करेंगे तो फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसमें $2 बिलियन से कम पैसा बचा हुआ है। अब वो जो भी पैसा चुकाएगा, जो विदेशी देशों का कर्जा है, उसे डॉलर में चुकाना होगा, लेकिन उसके पास डॉलर है नहीं। अब लेकिन ये समझेंगे कि अगर देश के अंदर कर्जा है और देश के बाहर का, क्योंकि कोई देश अगर कर्जा लेता है तो साथियों दो तरीके से लेता है, एक तो उसका इंटरनल डेप्ट होता है, एक होता है एक्सटर्नल डेप्ट। लेकिन इंटरनल डेप्ट को चुकाने के लिए जो भी उसके कंपनीज होंगी जिसके माध्यम से लिया होगा, तो वहां पर अब क्या कर सकता है, नोट को छपाई करके वहां के अपने कर्ज को पूरा कर सकता है। लेकिन इससे वहां पे इन्फ्लेशन जो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और भी ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन जो विदेशी कर्जा है उसे तो आपको डॉलर में ही चुकाना होगा। उसने कह दिया है अगर हम कोई देश हमसे कर्जा लेना चाहता है, यानी कि अपना पैसा वापस लेना चाहता है, तो हम श्रीलंकाई रुपए में वापस करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास अब डॉलर में पैसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास बचा हुआ फॉरेन रिजर्व है उससे हम अपने जरूरत की जो वस्तुएं होंगे भाई उनको परचेज करेंगे। क्योंकि कोई देश, किसी भी देश की जिम्मेवारी बनती है पहले जो नेसेसरी आवश्यक चीजें हैं उनको जरूरत के लिए अपना फॉरेन रिजर्व बचा के रखना चाहिए। वही श्रीलंका की सेंट्रल बैंक भी कर रही है, क्योंकि उसके पास अब कर्जा पैसा नहीं है कि वह विदेशी देशों का कर्जा दे सके। अब यहां पर उससे उम्मीद एक ही जगह से है, IMF, यानी कि अब उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से आशा लगी हुई है। लेकिन IMF अगर कोई पैसा देगा तो उसे अपने नियमों और शर्तों के आधार देना पड़ेगा, जैसा कि 1991 में भारत के साथ हुआ था। लेकिन भारत ने ऐसी स्थितियां नहीं आई थी, भारत ने उसके पहले रिजर्व को अपने मेंटेन कर लिया था, यानी कि उस तरीके से वहां के रूल को फॉलो करना पड़ा था। उसी प्रकार से श्रीलंका को भी अब IMF के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और उसे अगर IMF मदद करता है तो, लेकिन राहत पैकेज की वहीं से उम्मीद है। और अगर विदेशी देशों को कर्जा लेना है उसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और यह भी ध्यान देना है क्योंकि कोई देश का मामला होता है तो आप देश का पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते देश पे जाके आक्रमण कर देंगे, यहां पे चढ़ाई कर देंगे, क्योंकि वो देश का मामला है। इसलिए देश कोई क्या होता है, दिवालिया नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उसने क्या है अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया है। अगर वही कोई कंपनी, कोई देश की मतलब कोई कंपनी है, अगर वो अपने पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होती है तो कहा जाता है वो दिवालिया हो चुकी है, उसकी जो एसेट्स हैं, संपत्ति है, उनको बेच करके पैसा वसूला जाता है। बल्कि किसी देश के मामले में आप देश को ना तो बेच सकते हैं, ना उसकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, बल्कि ये कर सकते हैं अगर उसकी कोई एसेट्स, कोई संपत्ति आपके देश में है उसे भले ही आप अपने गिरफ्त में ले सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, लेकिन देश के मामले में ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये समझना होगा कोई देश दिवालिया नहीं होता है, बल्कि उसके लिए एक टर्म का यूज किया जाता है, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट कर गया है, कहीं भी पेपर में आप दिवालिया जल्दी से नहीं देखेंगे। दिवालिया शब्द एक अलग है किसी कंपनी के लिए, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में ये सही नहीं है। आइए समझते हैं कैसे यहां का घाटा बढ़ता चला गया। उसके पहले इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, PM महिंद्रा राजपक्षे ऑफर्स टू होल्ड टॉक्स विद द प्रोटेस्ट यूथ, यानी वहां का जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है उससे उन्होंने बातचीत की है, अपील की है कि आप लोग प्रोटेस्ट न करिए, हम बहुत ही जल्द श्रीलंका को इस क्राइसिस से बाहर निकालेंगे। वादा तो उन्होंने कर लिया है लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगली न्यूज है श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस लाइव अपडेट्स है ना, यहाँ पे PM राजपक्षे ऑफर्स टू होल्ड टॉक्स, वही बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, और सेंट्रल बैंक हॉल्ट एक्सटर्नल डेप्ट रिपेमेंट, यानी वहां की सेंट्रल बैंक ने मना कर दिया है कि जो भी पेमेंट है उसे डेप्ट को हम पे नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे महिंद्रा राजपक्षे, जो कि पूरी तरीके से यहाँ इनकी सरकार थी, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और इन्हीं के बड़े भाई गोटाबाया राजपक्षे जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनकी गलत नीतियों के कारण श्रीलंका क्राइसिस में फंसता चला गया है। पहली नीति समझते हैं, श्रीलंका ने ऑर्गेनिक खेती का जो फैसला लिया
पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल अपने प्यारे देश भारत का सिक्किम है। सिक्किम ने प्री प्लान तरीके से ऑर्गेनिक खेती का वहाँ पे बेड़ा उठाया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसने कदम उठाए और आज जा करके सिक्किम क्या पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। श्रीलंका ने ये सोचा था, ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक खेती क्या है, वो फार्मिंग बहुत ही अच्छी नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी होती है, यानी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती एकाएक अगर आप परिवर्तित करते हैं तो आपका जो है वहाँ पे उत्पादन प्रोडक्शन घट जाता है। जब उत्पादन घट जाएगा तो वहाँ के लोगों के लिए समस्या हो जाएगी, यानी मुद्रा की समस्या हो जाएगी, पैसे की समस्या हो जाएगी। तीसरा काम इन्होंने क्या किया, अपनी जनता को फायदा देने के लिए वहाँ के टैक्स के लोड को कम कर दिया, यानी सरकार की कमाई जो टैक्स से होती है टैक्स को इतना कम कर दिया यानी लोगों को रिलैक्स देने के लिए। तो इससे इनका क्या होने लगा, आपस में जो इनका जो कमाई थी इनकम थी वो कम होने लगी। तीसरा काम इन्होंने कर दिया कि श्रीलंका के अंदर एकाएक विदेशी कर्जा लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी उनका उम्मीद थी कि जो हमारे यहाँ विदेशी आते हैं उनसे हम पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन साल 2019 के बाद ही जैसे पेंडेमिक महामारी आ जाती है उसके बाद इनको वहाँ पे जो विदेशी पर्यटन था पूरी तरीके से ठप हो जाता है। एक बड़ी इनकम जो फॉरेन रिजर्व के रूप में इनकी होती थी इससे पर्यटन से वो पूरी तरीके से ठप हो गया, तीसरा कारण था। और चौथा कारण था कि इनके पास जो भी मेजर कारण थे यानी कि पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन या इनके जो निर्णय थे वो सारे निर्णय गलत साबित हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कोई भी निर्णय सोच समझ करके उठाना चाहिए। और ये क्राइसिस श्रीलंका में देखने को मिली है। श्रीलंका में कैसे घटी टैक्स की कमाई, श्रीलंका में साथियों आप देख सकते हैं टैक्स की कमाई जहां पर क्या थी, लगभग हम मान सकते हैं कि 11 अरब डॉलर थी, वहीं 2018 में घटती है, थोड़ा सा घटती है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। 2019 में घट के आ जाती है लगभग 9.715 अरब डॉलर के पास आ जाती है। और इकट्ठे 2020 में आप देखेंगे एकाएक परिवर्तन होता है और 2020 में 6.56 अरब डॉलर आ जाती है। क्या होता है, वही पैंडेमिक मेन रीजन था, महामारी आना और कोरोना महामारी की वजह से इनका विदेशी पर्यटन ठप होता है। और यहाँ पे देखेंगे और इनकी टैक्स घटी, मतलब टैक्स भी एक तरीके से आप कितना घट गया, आप जहाँ पे थे 10 अरब डॉलर यानी 10 बिलियन डॉलर से 6 बिलियन डॉलर टैक्स में कमी आ जाती है, विदेशी पर्यटन भी ठप हो जाता है। और आप एक ऐसे देश हैं जो कि आयात ज़्यादा करते हैं निर्यात कम करते हैं, यानी आयात ज़्यादा करेंगे तो आयात में आपको अपना जो फॉरेन रिजर्व होगा उसी यानी डॉलर या यूरो में जो भी विदेशी मुद्रा होंगी उन्हीं में आपको चीज़ों को परचेज करना होगा। और निर्यात कम होने की वजह से क्या होगा, आपका करंट अकाउंट डिफिसिट यानी CAD भी बढ़ जाता है। उसके बाद आपका व्यापार घाटा पहले ही बढ़ चुका था क्योंकि उसके चाइना की गलत नीतियों के कारण कैसे आप जंजाल में फंसे हैं, इस बारे में मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से और भी समझाया है कि चाइना कैसे छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है, वो वीडियो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहां समझिए कि टैक्स से कमाई घटी, ये भी एक मेन रीजन था। दूसरा काम क्या था कि कैसे आपके करंट अकाउंट डिफिसिट कम हो जाता है। तीसरा काम क्या हो जाता है, आपका बैलेंस जो व्यापार घाटा है वो भी बढ़ जाता है। और इस तरीके से यहां पर आपको श्रीलंका की स्थिति बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात करेंगे इसको आशा दो अपने पड़ोसी देशों से, एक अपना प्यारा देश भारत, दूसरा चाइना। चाइना वैसे साम्राज्यवादी नीति का फॉलोअर है और वो सीधा प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट करता है, उससे बहुत ज़्यादा आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन भारत पूरी तरीके से मदद कर भी रहा है, लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशन के अंदर ही मदद कर पाएगा, ठीक है। जैसा कि देखा पिछले दिन कल यानी कि मंगलवार को भारत ने 11,000 मीट्रिक टन चावल उसको दिया है और पिछले हफ्ते हमने 16,000 मीट्रिक टन चावल श्रीलंका भेजा था। और इतना ही नहीं, अभी तक भारत लगभग 2,70,000 ईंधन की आपूर्ति कर चुका है, एक बहुत बड़ी मात्रा में। यानी वो चाह रहा है श्रीलंका को किस तरीके से निकाला जाए, लेकिन मैंने कहा हर देश की अपनी सीमाएं होती है, सीमाओं के अंदर ही हम आपकी मदद कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम मदद नहीं कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर देखेंगे श्रीलंका में महंगाई के लिए तोड़ी आम आदमी की कमर, किस तरीके से समस्या वहाँ पर खड़ी हो गई है। 4200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, 1900 रुपये किलो मिल्क पाउडर बिक रहा है और 240 रुपये वहाँ किलो चीनी की हालत हो गई है। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई हैं आम आदमी के चीज़ों, क्या है महंगाई बिल्कुल आम आदमी के हाथ से बाहर निकल चुकी है। महंगाई जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है वो 2 टर्म में आ गई है, यानी कि कह सकते हैं लगभग 17.5 से 20% के बीच में आ चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगाई होती है। इसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है।
और यहाँ श्रीलंका क्राइसिस देख सकते हैं। इसके बाद एक कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है कि एक यहाँ पर रोटी दिखाई गई है, कई हाथ इसे नोचने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब किसी देश में क्राइसिस आ जाती है, तो ऐसी स्थितियों से भारत को भी सचेत रहना होगा। वैसे भारत की स्थिति ऐसी नहीं आने वाली है, फिर भी किसी भी कंडीशन से, किसी भी स्थिति से हमें हमेशा के लिए सचेत रहना होगा। और आगे इस तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। अगर साथियों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर करिएगा। IMJT एजुकेशन के ऐप के बारे में जान लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। यानी यहाँ करंट अफेयर और GK का ऐप है। एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, वैसे एप्लीकेशन इस फॉर्मेट में ओपन होकर के आता है। यहाँ वीडियो कोर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, बेस्ट ई बुक, फ्री क्विजेज, स्टडी मटेरियल एंड फ्री PDF, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देन आफ्टर दैट आप देखेंगे कि ये उसको ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, तो आपको NTPC CBT GS का स्पेशल बैच मिलेगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान सफलता तक बैच है, उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच, उत्तर प्रदेश खाकी बैच, ग्रामीण परिवेश सामान्य हिंदी, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था एवं संविधान। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी क्लास पढ़ाई गई है। जो भी बैच आप लेना चाहते हैं, आपको जिसकी नीड हो, आवश्यकता हो, परचेज कर सकते हैं और अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। चलिए साथियों, फिलहाल आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।